फिर से एक पावरफुल बिजनेस आइडिया लेके आ गए दोस्तों आप लोगों के लिए। दोस्तों ये बिजनेस करने के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा, जीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस हम आपको करवाना सिखाएंगे। दोस्तों ये बिजनेस करने के लिए आपको लागत कितना खर्चा करना पड़ेगा ए टू जेड बताएंगे, और जीरो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो इस बिजनेस को। पहले बता देते हैं ये बिजनेस लॉन्ड्री का बिजनेस है, ड्राई क्लीनिंग और लॉन्ड्री दोनों अलग होता है, और दोनों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ये बिजनेस आप हाई लेवल में या आप स्मार्ट लेवल में अभी कर सकते हो दोस्तों, जीरो इन्वेस्ट में भी कर सकते हो और पैसा लगा के बड़ा लेवल में भी कर सकते हो, ऑनलाइन के द्वारा भी कर सकते हो, ऑफलाइन में भी कर सकते हो। मगर सबसे पहले हम सजेस्ट करते हैं आप ऑफलाइन करिए, और आपका टारगेट ऑडियंस, आपका ऑडियंस कहाँ से आएगा, जैसे कि आपका कस्टमर कहाँ से आएगा, कहाँ से आपको कस्टमर मिलेगा, कहाँ पे जाके आपको मार्केटिंग करना है, इस वीडियो में हम ए टू जेड बताएंगे कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे आपको प्रोडक्ट को आपको बनवाना है, और आपको मशीन वगैरह, और आपको कैसे बिजनेस को आपको बड़ा करना है, ए टू जेड इसी वीडियो पर हम आपको बताएंगे। ये बिजनेस पहले बात करते हैं बड़ा लेवल पे करने के लिए आपको क्या क्या मशीन को रिकमेंड होता है। दोस्तों ये मशीन आपको चाहिए, जैसे कि आपका धोने वाला मशीन, वॉशिंग मशीन, और सुखाने वाला ड्रायर मशीन, और आपका प्रेस करने वाला आपका प्रेस मशीन, जैसे कि आपका आयरन वगैरह ये सब हो जाता है। जैसे कि आपको सुखाने के लिए आपका थोड़ा बड़ा मकान चाहिए तो आप लोग बड़ा लेवल कर सकते हो, जैसे कि 2 घंटे के अंदर आपको कपड़ा आपको धो के देना है और प्रेस करके आपको देना है तो आप बड़ा लेवल पर कर सकते हो। और ये बिजनेस करने के बड़ा लेवल पर बिजनेस करने के लिए आपको मिनिमम 30 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। और दूसरा स्मॉल लेवल पे आप कर सकते हो दोस्तों, और ये बिजनेस करने के लिए आपको 20 से लेकर 30 हज़ार रुपया तक आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये बिजनेस आपको छोटा लेवल पे, जैसे कि स्मॉल लेवल पे आप कैसे कर सकते हो, एक छोटा मोटा आप वॉशिंग मशीन लेके और एक आयरन लेके आप ये धंधा कर सकते हो दोस्तों। और थंबनेल में जो बताए गए थे जे आपको जीरो इन्वेस्ट में भी ये बिजनेस करना है, तो दोस्तों जीरो इन्वेस्ट में भी ये बिजनेस आप कर सकते हो, जीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस आप कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, सबसे पहले बात करते हैं आपका ऑडियंस, जैसे कि आपका कस्टमर कहाँ से मिलेगा। आप लोग सोच रहे हो ना, सबसे पहले आपको टारगेट करना पड़ेगा हॉस्पिटल, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल या छोटा हॉस्पिटल में आप टारगेट कर सकते हो, वृद्धाश्रम जो ओल्ड एज होम वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, या आपका जहाँ पे नर्सरी हो वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो, या आपका कॉलोनी जहाँ पे आपका फ्लैट वगैरह सब जगह पे अभी तो फ्लैट बन गया तो वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि आपको मार्केटिंग आपको तो पता दिए, जैसे कि आपका टारगेट ऑडियंस ये लोग होता है, और बगल आपको मैंने कस्टमर तो मिल ही जाएगा दोस्तों। आप लोग सोच रहे हो कस्टमर के पास हम जाएंगे कैसे, दोस्तों जाने का एकदम इजी तरीका है, जैसे कि आप लोग को जगह पे सब जगह पे होता है न्यूज़मैन जो न्यूज़पेपर घर घर जाके देता है, तो उसको हायर करिए और उसको बोलिए जे मेरा ये विजिटिंग कार्ड हो या लीफलेट हो, आपका न्यूज़पेपर भर के आपका जो जितना भी कस्टमर है उसको आप मैंने दिला दीजिए, तो आपका आप घर बैठे हुए आप 500 रुपया 400 रुपया दे के ये काम करवा सकते हो, आपका पूरा एरिया में कवर कर सकते हो दोस्तों। इस टाइप से आप मार्केटिंग कर सकते हो, पूरा इजी तरीका है, सिर्फ 1000 से 2000 रुपया पे आपका मार्केटिंग पूरा हो जाएगा, एकदम कवर हो जाएगा। मगर ऑनलाइन के थ्रू आप कर सकते हो, मगर इसमें उतना प्रॉफिट नहीं होता है। मगर आप ऑफलाइन जैसे कि विजिटिंग कार्ड लीफलेट आप खुद दोगे तो आपका चलेगा नहीं, मगर किसी को दे के आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोफेशनल तो होता है ना। ये तो पता चल गया आपका ऑडियंस कहाँ पे है और ऑडियंस के पास आपको कैसे जाना है, जैसे कि आपको कस्टमर कहाँ है और कस्टमर के पास कैसे जाना है हम बता दिया आप। और आप लोग सोच रहे हो जीरो इन्वेस्टमेंट में हम ये बिज़नेस कैसे करें, तो जीरो इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस सीखने के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप पर्सनली मुझे कॉल कर सकते हो, आपको समझा देंगे हम ये बिज़नेस आपको जीरो इन्वेस्टमेंट में आप कैसे कर सकते हो दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। आप लोग बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस को आपको समझना पड़ेगा, क्या कैसे आपको प्रॉफिट होगा, किस में आपका लॉस होगा। तो वीडियो में आपको लाइक करने से आपका लॉस या लाभ आपको नहीं होगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होगा, मगर सब्सक्राइब ना करने से आपका लॉस होगा। क्यों? सबसे पहले जैसे कि हम कोई भी अपडेट डालते हैं तो आपके पास नहीं पहुंचेगा, आपको सर्च करके देखना पड़ेगा, उसके बाद आप कॉल करके बोलते हो भैया आपका वीडियो आ नहीं रहा है, आप मेरा पास नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मेरा पास आ नहीं रहा है, सर्च करके आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों सर्च तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप तो सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब करने से यही आपका प्रॉफिट होगा, जो कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम लोग डालते हैं, मार्केट अपडेट डालते हैं, तो सबसे पहले आपके पास आएगा दोस्तों, इसमें आपका प्रॉफिट होगा। तो मेरे लिए हम सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलते हैं, आपका प्रॉफिट है। बिजनेसमैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल में सिर्फ बिजनेसमैन लोग ही रहता है, बच्चे लोग इसके लिए ये वीडियो नहीं है, यह चैनल नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।